दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है जीनिया तथा मेटाजीनिया। ठीक है, ये टॉपिक कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो समझते हैं जीनिया किसे बोलते हैं, मेटाजीनिया। देखिए, पराग कणों का भ्रूणपोष मतलब फल तथा फूल पर सीधा प्रभाव क्या कहलाता है, जीनिया। जो पराग कण है, पराग कणों से सीधा किसका निर्माण, फल फूल का निर्माण क्या कहलाता है, जीनिया। और मेटाजीनिया क्या कहलाता है, बीज आवरण तथा फल भित्ति पर पराग कणों का प्रभाव। मतलब जो बीज होता है उसका आवरण और उसकी फल की बाहरी आवरण पर पराग कणों का जो प्रभाव होता है वो क्या कहलाता है, मेटाजीनिया। ठीक है, तो याद रखिए क्या, जीनिया पराग कणों का फल तथा फूल पर प्रभाव क्या कहलाता है, जीनिया। जबकि पराग कणों का बीज आवरण तथा फल भित्ति पर प्रभाव क्या कहलाता है, मेटाजीनिया। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी।